WTC फाइनल 2023 ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रन पर सिमटी, जिसके जवाब में भारत ने 145 रन पर खोए अपने 5 विकेट। जी हां दोस्तों, WTC फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रन पर सिमट चुकी है, जिसके जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर 145 रन बना लिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं भारत के 5 विकेट किस प्रकार पवेलियन लौटे। छठे ओवर की आखिरी बॉल पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा पैट कमिंग्स की बॉल पर लेग बी फोर करार दिए गए। भारत के लिए ये पहला झटका था। उसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल बोलेंड की इनस्विंग गेंद को समझने में नाकाम रहे और बोलेंड ने शुभमन गिल की गिल्लियां बिखेर दी। शुभमन गिल के बाद चेतेश्वर पुजारा भी उसी अंदाज में कैमरॉन ग्रीन की अंदर आती गेंद को नहीं समझ पाए और कैमरॉन ग्रीन की गेंद पुजारा का ऑफ स्टंप ले उड़ी, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। विराट कोहली से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मिचेल स्टार्क की शानदार बाउंसर को विराट कोहली संभाल नहीं सके। मिचेल स्टार्क की बॉल विराट कोहली के ग्लव्स को छूते हुए सेकंड स्लिप पर खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में जा पहुंची और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में लगा तगड़ा झटका, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा के बीच छोटी सी पार्टनरशिप पनपने लगी। लेकिन नीथल लाइन के 35वें ओवर में जडेजा लाइन से बाहर जाती बॉल को छेड़छाड़ करने के चक्कर में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए और इस प्रकार भारत ने अपने 145 रन पर 5 विकेट गवा दिए। भारत के लिए अच्छी बात है कि रहाणे अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं, उनका बखूबी साथ दे रहे हैं श्रीकेश भरत। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे WTC के फाइनल को कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।